महुआ मोइत्रा ने संसद की सदस्यता जाने के बाद क्या कुछ कहा है, पहली प्रतिक्रिया क्या दी, पहला बयान क्या दिया, आपको सुनवाते हैं। यह निर्णय पार्लियामेंट्री कमेटी, आयरोनिकली द एथिक्स कमेटी व्हिच वाज सेट अप टू सर्व एज अ मॉरल कंपास फॉर मेंबर्स, इंस्टेड इट हैज बीन अब्यूज्ड एग्रीजियसली टुडे टू डू एग्जैक्टली व्हाट इट वाज नेवर मेंट टू डू, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to torpedo us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House. The findings are based solely on the written testimonies of two private citizens whose versions contradict each other in material terms. Car garage network, great. Claim cover, great. Price, wait. Wow, price be great. Tata AIG car insurance, trusted name, fantastic terms. None of whom I was allowed to cross-examine. One of the two private citizens is my estranged partner who with malafide intention masqueraded as a common citizen in front of the committee. The two testimonies have been used to hang me there at polar opposites to each other. The complainant says I accepted cash in consideration from a businessman to ask questions in furtherance of his commercial interests. But the businessman's Suomoto affidavit says I pressurized him into uploading questions to further my agenda. The two are at polar opposites. The ethics committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. आपसे expelled कर दिया गया है, आपने poster भी लगा रखा है, don't turn victim into culprit. मैंने इसलिए ये लगाया है कि कमेटी ने एक recommendation में हमारा भी जिक्र किया है, क्योंकि हम महुआ मोइत्रा को न्याय दिलाना चाहते हैं, वो न्याय नहीं हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और एक तरफ पूरी दुनिया ने देखा रमेश भदूड़ी का किरदार, वहां संसद शर्मसार होता नजर नहीं आ रहा, आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं, आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, ये क्या है? संसद की मर्यादा 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी जब रमेश भदूड़ी ने वहां जिस तरीके का की गाली गलौज की, और आप कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा ऐसे भंग हो रही, क्या बात है। तो दानिश अली को आपने सुना, और आमोद मैं आपके पास आ रही हूं, हमारे साथ रविशंकर दत्ता भी हैं जो बता रहे थे इस पूरे केस की टाइमलाइन क्या है। आमोद, इस मामले में 19 अक्टूबर को जब आरोप लगाए गए थे बिजनेसमैन दर्शन हीरा नंदानी की तरफ से एफिडेविट दिया गया था कि जो पार्लियामेंट्री लॉग इन आईडी है वो उन्हें दी गई थी महुआ मोइत्रा की तरफ से, बहुत संगीन आरोप लगाए गए थे, फिर महुआ मोइत्रा की तरफ से भी अभी डिफेंड किया गया, अपने बचाव में बड़ी बातें कही गई हैं, अब टीएमसी और क्या एक्शन लेगी, क्या बता रहे हैं खबरों में, क्या आ रहा है सामने? देखिए, अब टीएमसी को एक्शन लेने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, लोकसभा में जो फैसला हो गया, जो पारित कर दिया गया, उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसके फैसले को कोर्ट भी बदल नहीं सकता। अब वैसे भी 4 से 5 महीने का समय है, सबको लोकसभा में अपने अपने चुनाव लड़ने जाना है, तो कोर्ट के चक्कर में अब तो टीएमसी भी नहीं जाना चाहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा को समय दिया गया, और उन्होंने जब उनको सफाई देना था तो उन्होंने उतने ठीक, ये बड़े दुख की बात है, संसदीय गणतांत्रिक प्रथा को इन्होंने दबा देने की कोशिश करते हैं। वॉइस ऑफ द अपोजिशन आर गोइंग टू बी गैग्ड, जिसको खिलाफ में इतना विरोध है, वक्तव्य है, उनका बात नहीं सुनोगे तुम, ऐसा नहीं होता कभी। और सबसे बड़ा बात है एनडीए, इंडिया का जो एलिस पार्टीज है वो सब एकजुट हो जाए, और एक साथ बोला, एक साथ गांधी मूर्ति का सामने आया, इट इज ऑल्सो वेरी गुड डे फॉर अस। जो जानकारी ये भी मिल रही है कि जो पार्लियामेंट में गांधी प्रतिमा है उसके सामने इकट्ठा हो रहे हैं विपक्षी सांसद और प्रदर्शन कर रहे हैं। आमोद,
बिल्कुल देखिए, सिंबॉलिक ये एक सिंबॉलिक जो विपक्षी दल के सारे नेता हैं वो गांधी प्रतिमा के सामने आए और वहाँ पर उन्होंने अपना एक विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन आज चूंकि संसद का इस सप्ताह का आखिरी दिन है तो ये बहुत इससे बज क्रिएट होने वाला नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से महुआ मोइत्रा पे आरोप लगा और उन आरोपों को जिस तरह से आपको रोक रही हूँ, आनंद प्रकाश पांडे लगातार बता रहे हैं कि संसद के अंदर क्या इस वक्त हो रहा है। आनंद, हमें जानकारी मिल रही है कि विपक्षी सांसद पर प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी प्रतिमा के सामने। जी आपके साथ जी अभी कुछ देर पहले बात कीजिए। जी एसटी हसन साहब है, डायरेक्ट इनसे सवाल पूछ सकती हैं। जी एसटी हसन साहब, बड़ी कार्रवाई हुई है संसद की तरफ से महुआ मोइत्रा के खिलाफ, वो आरोप लगा रही है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए आज संसदीय इतिहास का ब्लैक डे है, आज संविधान की धज्जी उड़ा दी गई, जिस आदमी के खिलाफ कोई अधीर रंजन चौधरी इस वक्त कह रहा हूं कि आपके पास सब सांगमदी के पास है। मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर, आज भी वही राय है मेरा। ये बेबुनियाद तथ्यों पर आधारहीन और स्रेप और स्रेप बदले की भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। रोजाना सदन के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी खासकर मोदी जी महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं।